नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपको होस्ट गौरव कुमार मेहता स्वागत करता हूं नोदी स्टेप्स के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे जो है हॉटबिट से अपना पैसा निकाल सकते हैं और निकाल ही नहीं सकते, उसे INR में कन्वर्ट करके अपने खाते में ला भी सकते हैं। तो एक्चुअली में आप जानते हैं कि जो हॉटबिट है वो अपना INR सपोर्ट नहीं करता है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है, तो जो भी बात होता है वहाँ पर USDT में बात होता है। तो इनकेस अगर आपने कुछ कोई भी क्वाइन आपने हॉटबिट पर खरीद कर रखा है और आप चाहते हैं कि हाँ प्रॉफिट तो मैंने गेन कर लिया है, बट मैं इसे इंडियन करेंसी में कैसे अपने बैंक तक पहुंचाऊं, ये तो बिल्कुल एक टास्क की तरह होता है। और कैसे कम पैसे में मैं पैसे को पहुंचा दूं अपने बैंक अकाउंट तक, पूरा चीज़ मैं जो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप मिस नहीं कर जाए, ठीक है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन नीचे में होगा वहाँ पर जाकर क्लिक कर दे, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दे ताकि जो भी वीडियो डालता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए कि बिना किसी लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हॉटबिट पे जो भी क्वाइन को बाय करके रखे, फॉर एग्जांपल आपने बाय करके रखा है फ्लोकी इनू या फिर सेफ मून या फिर कोई भी रेपुटेटेड क्वाइन, जैसे आपका मैटिक हो गया, उसके अलावा बिटकॉइन, इथरम, स्टेलार, बहुत सारे क्वाइंस जो भी आपने बाय करके रखा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसे सेल करना है। सेल करेंगे, सेल करने के बाद जो भी आपका बैलेंस है वहाँ पर फंड सेक्शन में जाकर देखेंगे तो USDT के रूप में वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। जैसे मान चलिए कि आपका जो है बैलेंस USDT के रूप में आ चुका है, तो अगर आप USDT के रूप में ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे एक्सचेंज पर तो आपको जो है लगभग 70 या 80 रुपये, क्योंकि 1 USDT लगभग वहाँ पर इसका ट्रांजेक्शन फीस रहता है, तो आपको डिडक्ट कर लेगा। बट आपको क्या करना है मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ ताकि आपका मिनिमम फीस में जो है बैलेंस आपका एक्सचेंज तक पहुँच जाए। तो उसके लिए आपको मैं ले चलूँ मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ही कम पैसे में आपका पैसा बैंक खाते तक पहुँच जाएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आपका हॉटबिट के इंटरफेस पर, आपको बताऊँगा कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो सिंपली आप जो भी कॉइन को अगर सेल करते हैं, ठीक है, सेल करने के बाद आपका जो भी बैलेंस है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है USDT के रूप में, ऐसे रहेगा। तो अगर आप USDT को विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ पर क्लिक करते हैं, तो आपका 1 USDT यहाँ पर चार्ज काट लेगा ट्रांजेक्शन फीस के रूप में, मतलब एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करने के लिए 1 USDT आपका माइनस हो जाएगा टोटल अमाउंट जितना भी है उसमें से। तो हम आपको बताएंगे कैसे आप ज़्यादा नहीं 6 से 7 रुपये कटवा के आप जो है दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि 1 USDT का प्राइस अगर मार्केट हिसाब से बात कर ले तो अगर मार्केट डाउन है तो 70-75 रुपये या फिर अप है तो 81 रुपये करीब रहता है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको मार्केट में जाके जो भी है ना USDT उसका TRX सिंपली बाय कर लेना है पूरे का, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे फंड सेक्शन में और यहाँ पर जाके TRX सर्च कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर उसके बाद विड्रॉ पर क्लिक कर देंगे। विड्रॉ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिलहाल जो है मेंटेनेंस की वजह से वहाँ पर विड्रॉ जो है फॉरबिडन है, मतलब अभी रोक दिया गया है वहाँ से। बट जैसे ही आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस पेस्ट करने का मिल जाएगा, यहाँ पर कितना आपको विड्रॉ करना है वो मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको चार्जेस दिखाएगा 1 TRX, ठीक है। तो सिंपली आपको जाना है कोई भी एक्सचेंज, जैसे मैं आपका CoinDCX पर डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो सिंपली CoinDCX पर जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे TRX और यहाँ पर जो 3 बिंदु उस पर क्लिक करके रिसीव ट्रॉन पर क्लिक कर देंगे और इसको क्लिक कर देंगे आई अंडरस्टैंड। उसके बाद हम वापस जाएंगे हॉटबिट पर, यहाँ पर एड्रेस को पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर मैक्सिमम सेलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे तो OTP वगैरह आएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो 5 या 10 मिनट के बाद जो है आपका जो भी TRX है यहाँ पर शो करना चालू कर देगा। उसके बाद आप TRX को यहाँ से सिंपली सेल कर सकते हैं। सेल जैसे ही करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो कन्वर्ट होके यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके विड्रॉ कर सकते हैं। इन केस आपके पास मान के चलिए कि WazirX है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, WazirX आपको ओपन कर लेना है सबसे पहले। ओपन करने के बाद हमें जाना है यहाँ पर फंड सेक्शन है, फंड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर सर्च कर लेंगे TRX, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करना है, उसके बाद इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली हमें फिर से जाना है यहाँ पर हॉटबिट पर, यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी आपको सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू करके OTP वगैरह डाल के बढ़ा देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है
इस तरीके से जो भी TRX आपने ट्रांसफ़र किया है आपका ये पोर्टफोलियो में शो करना चालू कर दिया फ्रंट सेक्शन में, ठीक है। फिर उसे आप मार्केट में जाके सिंपली ट्रॉन को आपको सेल कर लेना है। जैसे ही सेल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद सेल में जाके इसे जो है 100% करके सेल कर देना। जैसे ही सेल करेंगे तो आपका जो भी बैलेंस है वो INR के रूप में यहाँ पर शो करना चालू कर देगा। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक करके आपको जो है अपने बैंक खाते में पैसा मंगवा लेना है। तो ये जो है टोटल प्रोसेस है दोस्तों, जिसके द्वारा आप कम से कम पैसे में अपना जो भी कमाई आपने किया हॉटबिट में इंडियन एक्सचेंज तक पहुँचा सकते हैं और उसके बाद अपने बैंक खाते में क्रेडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा है कैसे मैंने बहुत ही कम चार्जेस में आपके पैसे को फाइनली इंडियन एक्सचेंज तक पहुंचा दिया। उसके बाद आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं, मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगता है और आपका पैसा जो है आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आप सभी लोगों के लिए जो भी हॉटबिट यूज़ करते हैं और जो चाहते हैं कि हाँ मैंने प्रॉफिट तो कमा लिया है बट उसे खाते में विड्रॉ भी कर लें। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसी वीडियोज़ में आप लोग लाने की कोशिश करता रहता हूँ जिससे आपका जो है ट्रेडिंग का प्रॉब्लम दूर हो सके और आप इजीली ट्रेडिंग कर सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक के लिए गौरव कुमार मेहता नमस्कार स्वीकार कीजिए। बाय बाय दोस्तों, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग आवर वीडियोस।